फिरोजाबाद में आज विश्व टॉयलेट दिवस के अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO श्री अमिताभ कांत एवं स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर द्वारा शौचालय के कुछ माह पूर्व बंद किए गए गड्ढे से बेहरीन खाद निकाली जाएगी और लोगों के बीच ये संदेश दिया जाएगा कि किस प्रकार शौचालय का प्रयोग करने से न सिर्फ बीमारियों से निजात मिलती है बल्कि लाभकारी खाद भी प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम का जनपद फिरोजाबाद में आयोजित होना जनपद के लिए गौरव की बात है। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। है ना, बताएंगी ना सबको और जिन जिन के बीच में रहेंगी और खुद भी करेंगी दूसरा गड्ढा। हाँ बिल्कुल, हमारे बीच में अय्यर साहब है, उनको बुके देकर के हमारे सीडीओ मैम उनका स्वागत करेंगी। एक बार जोरदार तालियां आपको इस पल के लिए। मैं हाँ हमारे आज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं सर, अभी अब तेल ये हमारा जनपद आज धन्य हुआ और खास तौर पे ये वाजिदपुर गांव, जिस गांव ने इस यात्रा की शुरुआत बहुत पहले ही कर दी थी। आप लोगों ने जो थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो, पीछे हो भाई, तुम लोग हटो थोड़ा पीछे से। दोस्तों, जादू प्रचार प्रसार का बहुत ही प्रभावी माध्यम है। आए हुए आगंतुक गण सभी का, महानुभावों का हार्दिक वंदन। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो, पीछे हो भाई, तुम लोग हटो थोड़ा पीछे से। रेजोल्यूशन पास करेंगे उस उन बातों के बारे में मैं संक्षेप में बता दूं। एक तो आज की जो संसद है इसमें हम बात रखेंगे कि अगर आज की डेट में भी कोई इतना ODF होने के बाद कोई बाहर खुले में शौच करता हुआ पाया जाता है तो उस पर ₹500 का फाइन लगाया जाएगा। एक गड्ढे का अगर कहीं शौचालय बना है, कभी होता है जगह की कंस्ट्रेंट होती है, कम जगह होती है, तो उसको हम दो गड्ढे में तब्दील करेंगे और ये प्रण हम आज इस संसद के द्वारा दिलवाना चाहेंगे, इस प्रस्ताव को पारित करवाना चाहेंगे। सेप्टिक टैंक उतना मजबूत नहीं है, गांव में सब इकट्ठा होकर कूड़ा एक जगह पे फेंक, इस प्रबंधन की ओर भी, इस प्रवृत्ति को भी विकसित करना है, इस कचरे का निपटारा करना है, निदान करना है, तो कूड़ा कचरा प्रबंधन और गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके उसका प्रबंधन करना है। कहा क्यों नहीं जाओगे भैया, हमारा तुम्हारा थाने तो ये पूजा करते हो तो कहा जी मना छोड़ नहीं करते, तो बोले नहीं हम पूजा करते, तो बहुत समझाया तब तो समझी और उसके बाद में कह दी दूसरी जगह खुले में जा रही, हमने उनको बताया किया गया है और उसके पीछे की क्या उद्देश्य क्या है। देखिए, आज जैसा कि आप सभी विदित हैं कि विश्व शौचालय दिवस के रूप में 19 नवंबर को मनाया जाता है और हमारे जनपद का ये गौरव है कि हमें हमारे शीर्ष अधिकारी इस पूरे आयोजन में सम्मिलित हो पाए, नीति आयोग से CEO साहब और सचिव भारत सरकार परमेश्वरन अय्यर साहब यहाँ पर आज आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। उनके नेतृत्व में इस आयोजन में हम लोगों ने टॉयलेट संसद, जो हमारे ही जनपद के एक अधिकारी प्रभात मिश्रा जी का कॉन्सेप्ट था, उसको हम लोगों ने पूरी जगहों पर रेप्लिकेट किया, टॉयलेट संसद का आयोजन हुआ और एक समीक्षा
संख्यात्मक आकलन गांव के लोग खुद करते हैं कि कहां पर किस तरफ और अग्रसरित होने की उनकी जो टेंडेंसी है, कहां पर उनको अभी और बदलाव और परिवर्तन की तरफ मूव करना है, इसका एक आकलन इस संसद के माध्यम से किया गया और इस आयोजन में इस दिवस को हम लोगों ने आज अच्छे से मनाया है। जैसे CEO नीति आयोग साहब ने कहा, आज वर्ल्ड टॉयलेट डे है 19 नवंबर, उस कारण से हम लोग यहाँ पे इस ज़िले में, इस गांव में आए हैं और यहाँ पे CEO साहब ने खुद एक ट्विन पिट टॉयलेट को एम्प्टी किया अपने हाथों से। और ट्विन पिट टॉयलेट जैसे उन्होंने कहा, ये एक बहुत अच्छा इन्वेंशन है, एक क्योंकि इसमें एक टॉयलेट जब भर जाता है, एक गड्ढा जब भर जाता है तो उसको बंद करते हैं और दूसरे गड्ढे में मल जाता है। जो बंद वाला गड्ढा है वो करीब छः महीने एक साल के बाद जब सूख जाता है वो एकदम सोन खाद बन जाता है, जिससे कि कंपोस्ट फर्टिलाइज़र बनता है। तो आज उसका डेमोंस्ट्रेशन हुआ, हम लोग इस गांव में आए हैं। फिरोजाबाद ज़िला भी ODF हो गया है, पूरे देश में कवरेज करीब 96% है। तो आज इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो डेडलाइन दिया है 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा देश ODF हो जाएगा, और इस आज इस कार्यक्रम से, बच्चों के कार्यक्रम से एक मोमेंटम आया है और अब इस प्रोग्राम को सस्टेन करना है। ODF तो अचीव हुआ है, अब ODF सस्टेनेबिलिटी का प्रोग्राम चल रहा है और जो 6 रेजोल्यूशन आज जो पारित हुए वो सब ODF सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस गांव में सब लोगों को मिलके इस प्रोग्राम को सस्टेन होना। सर, ये शौचालय संसद जो लगी थी वो किस तरह की थी और क्या उसमें पास हुआ? हाँ, तो इसमें जो हम लोगों ने विटनेस किया है, इसमें 6 रेजोल्यूशन पास हुए। अभी मैं जिलाधिकारी नेहा जी से रिक्वेस्ट करूँगा। अच्छा, इसमें एक तो 500 रुपये का जो जुर्माना है, फाइन, ये उन्होंने अपने आप किया है, क्योंकि इसमें हम क्लियरली कहना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में कोअर्जन नहीं होता है। अब गाँव वालों ने सर्वसम्मति से ये पारित किया है, विच इज़ फाइन। उन्होंने गड्ढा वाला टॉयलेट कुछ बचे हैं उनको 2 गड्ढे में कन्वर्ट करना है, वो सेकंड रेजोल्यूशन था। सेप्टिक टैंक, कुछ सेप्टिक टैंक भी बने हैं, लेकिन कई सेप्टिक टैंक्स में आउटफ्लो और उसके नीचे सोखता गड्ढा नहीं है, तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि जितने भी सेप्टिक टैंक्स हैं वहाँ पर वो सोक पिट बनाएंगे, जिससे कि ओवरफ्लो अब्जॉर्ब किया जाएगा। फिर सूखे कचरे का निपटान, ड्राई वेस्ट का, दे विल मेक श्योर कि वो उसको सेफली डिस्पोज करेंगे। पॉलीथीन और प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक बैन हुआ है, तो गांव वालों ने एक रेजोल्यूशन पास किया, दे विल मेक श्योर दैट इज इम्प्लीमेंटेड। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। ये 6 रेजोल्यूशन।